हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ सीपीयू इस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में हमने देखा था कि मेमोरी क्या होती है और मेमोरी कितने प्रकार की होती है। हमने ये भी देखा था कि सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या है और इसे कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो जब हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की, तो कंप्यूटर मेमोरी या स्टोरेज मीडिया कंप्यूटर का वह माध्यम है जिसमें हम मेमोरी डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखते हैं। आज हम देखने वाले हैं मेमोरी एड्रेसिंग। कंप्यूटर मेमोरी एक्चुअल में टाइनी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस है और हर एक स्विच की एक स्टेट होती है। इसकी सिर्फ दो ही स्टेट हैं, एक होती है ओपन और दूसरी होती है क्लोज। इसे हम ओपन और क्लोज ना कह के इसे हम कहते हैं ज़ीरो और वन। तो हर एक स्विच जिसकी दो स्टेज हैं, ज़ीरो या वन, ये एक बिट को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि बिट जो होता है वो मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है। कोई भी मेमोरी यूनिट में मिलियंस ऑफ बिट्स होते हैं, मीन्स मिलियंस ऑफ बिट्स को मिला करके एक मेमोरी बनती है। कंप्यूटर मेमोरी को मैनेजेबल बनाने के लिए और अधिक मैनेजेबल बनाने के लिए 8 बिट्स की ग्रुपिंग की जाती है और इस 8 बिट के ग्रुप को एक बाइट का नाम दिया गया है। तो कंप्यूटर जो मेमोरी होती है, कंप्यूटर मेमोरी, इसे हम बाइट का एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस कह सकते हैं। मतलब कंप्यूटर मेमोरी में एक सीक्वेंस होता है बाइट्स का जिसमें हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है। बाइट जो होते हैं, प्रत्येक बाइट कंप्यूटर के, उसको एक सीक्वेंस नंबर से पहचाना जाता है जिसे ज़ीरो से आइडेंटिफाई किया गया है या स्टार्ट किया गया है। ज़ीरो से स्टार्ट करके डिपेंड करता है कि आपके जो कंप्यूटर मेमोरी है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो दिए जाते हैं। तो ये जो आपने दिया है सीक्वेंस नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, यही सीक्वेंस नंबर जो है बाइट का, इसे हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस। और इसे जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी है इसे बाइट एड्रेसेबल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि हर एक बाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। इसे हम इस लॉजिकल डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये कंप्यूटर मेमोरी है, मींस ये आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी या रैम, आपका जो रैम होता है उसका ये लॉजिकल व्यू बताया गया है। इसमें देखिए ये जो बाइट है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, etc. 2^32-1। और अगर इसे हम हेक्स कोड में देखें तो इसको हेक्स कोड में भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पेंटियम प्रोसेसर की जब हम बात करते हैं तो पेंटियम जो होता है वो 4 GB तक मेन मेमोरी को एड्रेस कर सकता है। ये जो 4 GB या 2^32 byte, ये जो आपका है ये मैजिक नंबर है। ये इस फैक्ट से आया है कि पेंटियम की एड्रेस बस जो होती है वो 32 एड्रेस लाइन की होती है। और इसी नंबर को, मीन जितना चौड़ा आपका एड्रेस लाइन है, जितना विथ एड्रेस लाइन का होगा आपका मेमोरी एड्रेस स्पेस वही होगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि 2^32 bytes को ये क्या करता है, स्टोर एड्रेस कर सकता है, क्योंकि पेंटियम का जो एड्रेस बस होता है वो 32 एड्रेस लाइंस का होता है। द मेमोरी एड्रेस स्पेस ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाई द एड्रेस बस विथ ऑफ द प्रोसेसर यूज इन द सिस्टम। जो सिस्टम में मेमोरी का अमाउंट होता है वो हमको यदि निकालना है तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एड्रेस बस का विथ कितना है। कंप्यूटर मेमोरी की वर्किंग देखते हैं यहाँ पर। मेमोरी कैपेसिटी इज द मेजर ऑफ डेटा और डिवाइस कैन कलेक्ट एट एनी गिवन टाइम इन इट्स मेमोरी। तो जब हम बात करते हैं मेमोरी कैपेसिटी की, तो मेमोरी कैपेसिटी मेमोरी का वह अमाउंट है जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूटिलाइज करता है, जैसे आपका कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप या कोई दूसरा स्मार्ट डिवाइस। दूसरे जितने भी आपके हार्डवेयर इक्विपमेंट होते हैं या कंप्यूटर होते हैं
उसमें मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट में मेमोरी दी होती है, और एक डिवाइस की परफॉर्मेंस और उसकी इफ़ेक्टिवनेस, मतलब उसमें जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कितना इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहे हैं, ये डिपेंड करती है कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी पर। अगर कंप्यूटर में 32 MB मेमोरी है तो वो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस ऑब्वियसली हायर होगा। अगर आपके कंप्यूटर में 16 MB मेमोरी है तो कंपेरेटिवली उसका जो परफॉर्मेंस है वो लो होगा। तो हमारे रैम की कैपेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, हमारा सिस्टम उतना इफ़ेक्टिवली वर्क करेगा और उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हम यहाँ पर कुछ मेमोरी साइजेस की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि बिट जो होती है वो बाइनरी डिजिट है, 0 या 1, ये सबसे छोटा मेमोरी यूनिट है। और जब हम 8 बिट को एक साथ स्टोर कर दें या ग्रुपिंग कर दें तो वो बनता है 1 byte। देन आता निबल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड अ निबल, बाइट कलेक्शन ऑफ 8 बिट, ये हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट कैटेगरी आता है मेमोरी साइज़ का, वो है वर्ड। सो वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ अ सेट नंबर ऑफ बिट्स ट्रीटेड एज अ यूनिट, इट इज़ डिफर फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। तो ये जो वर्ड है इसमें हम बोल सकते हैं कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। तो जब हम बोलते हैं किलोबाइट तो 1 KB इज इक्वल टू 1024 bytes, 1 MB 1024 KB, 1 GB 1024 MB एंड 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। तो ये जो है ये वर्ड कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं वर्ड कैटेगरी आती है जो आपका मेमोरी है उसका, है ना। तो यहाँ पर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, ये हायर साइड में ये जो हैं ये सारे क्या होते हैं, मेमोरी के यूनिट्स होते हैं। अब हम देखते हैं सीपीयू की मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी के बारे में। तो सीपीयू की मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी एड्रेस बस में प्रेजेंट लाइंस पर डिपेंड करती है। यदि एड्रेस बस में n लाइंस हैं तो मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी होगी 2 to the power n, मींस जितना विड्थ होगा आपका एड्रेस बस का, आपका कंप्यूटर का मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए अगर आपका 32 बिट सिस्टम है तो उसका मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली 16 बिट सिस्टम से ज़्यादा होगा। वैसे ही अगर आपके पास 64 बिट सिस्टम है तो उसकी मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी जो है वो 32 बिट वाले सिस्टम से ज़्यादा होगी। तो मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है एड्रेस बस में प्रेजेंट लाइंस पर। यदि n एड्रेस लाइंस हैं तो 2 to the power n मेमोरी लोकेशंस होंगे। एक लाइन सिर्फ एक बाइनरी डिजिट या बिट को कैरी करती है, दो लाइन जो होंगे वो दो मेमोरी बिट, दो मेमोरी डिजिट्स को कैरी करेंगे। ऐसे करके जितने भी मेमोरी लाइंस हैं, जितने भी आपके लाइंस दिए हुए हैं एड्रेस बस के, वो उतने ज़्यादा मेमोरी स्पेस को क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। तो मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी ऑफ सीपीयू पूरे तरीके से डिपेंड करती है आपके जो कंप्यूटर है उसकी एड्रेस लाइन पर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।